तो चंडीगढ़ से बड़ी अपडेट है इस वक्त। थोड़ी ही देर में सत्ता पक्ष की बैठक शुरू होने जा रही है। आपको बता दें हरियाणा निवास में अब से कुछ ही देर के बाद ये बैठक शुरू होगी। राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसद इस बैठक में शामिल होंगे। कार्तिकेय शर्मा भी बैठक में मौजूद रहेंगे और कृष्णलाल पवार जो कि भाजपा के सांसद हैं वो तो इस बैठक में शामिल होंगे ही। बैठक में राष्ट्रपति चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा होने जा रही है। तो बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है जहां पर कुछ ही देर के बाद सत्ता पक्ष की बैठक शुरू होने जा रही है। सत्ता पक्ष के जितने भी विधायक हैं वो सब इस बैठक में हिस्सा लेंगे। हमारे साथ चंडीगढ़ से संवाददाता रवि कालीरमण जुड़ रहे हैं। रवि, क्या कुछ अपडेट्स मिल पा रही हैं अभी? रवि, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चलिए दोबारा से कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं रवि को। आपको बता दें ये सत्ता पक्ष के विधायक दलों की बैठक आज होने जा रही है। चंडीगढ़ से बड़ी अपडेट आ रही है। हरियाणा निवास में ये बैठक होनी बताई जा रही है जो कि अब से कुछ ही देर के बाद शुरू हो सकती है। 3 बजे का समय था बैठक का, 3 बज चुके हैं और किसी भी समय बैठक शुरू हो सकती है। राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसद भी इसमें शामिल होंगे। कृष्णलाल पवार और कार्तिकेय शर्मा भी इसमें मौजूद रहेंगे। बैठक में राष्ट्रपति चुनाव समेत तमाम बड़े मुद्दों और विषयों के ऊपर यह चर्चा हो सकती है। और चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुक करते हैं रवि का, ज्यादा जानकारी लेते हैं। रवि, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है बताइए जरा। बिल्कुल केशव, देखिए इस वक्त हम हरियाणा निवास में हैं और हरियाणा निवास में भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो विधायक हैं यहाँ आने वाले हैं और इसके साथ साथ हिमाचल के भाजपा के तमाम जो विधायक हैं यहाँ आएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और कहीं ना कहीं हिमाचल के मुख्यमंत्री भी यहाँ पहुंचने वाले हैं। तो तमाम विधायकों का सिलसिला जो आने का जो सिलसिला है वो जारी है और लगातार इस प्रकार के कयास लगाए जा रहे थे, पहले भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता यानी सत्ता पक्ष के विधायकों की जो बैठक थी वो अब कहीं ना कहीं हिमाचल और हरियाणा भाजपा विधायकों की बैठक तब्दील हो चुकी है और तमाम जो विधायकों का सिलसिला है, तमाम जो मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनका आने का जो सिलसिला है वो जारी है। और कहीं ना कहीं बात की जाए तो एनडीए का जो उम्मीदवार है राष्ट्रपति चुनाव के लिए, उसके लिए पूरी जो चर्चा है इसमें की जाएगी और समर्थन जो है वो एक समर्थन पत्र है वो उस पर साइन तमाम जो विधायक है वो यहाँ करेंगे और कहीं ना कहीं राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो पूरी बैठक है केशव ये जो हो रही है। जी, राष्ट्रपति चुनाव के लिए बैठक हो रही है रवि, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि हिमाचल के भी सदस्य इसमें शामिल हो रहे हैं, तो क्या केंद्र से भी कोई आ रहा है? केशव, देखिए अभी इस प्रकार की कोई जो सूचना है वो नहीं मिल पाई लगातार, लेकिन अब मेरे पीछे तस्वीरों में देख पाएंगे कि तमाम जो विधायक हैं, तमाम जो चाहे हिमाचल के हों चाहे हरियाणा भाजपा के हों, तमाम विधायकों का आना जो सिलसिला है वो जारी है और अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हिमाचल के मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे। कहीं ना कहीं तो तमाम जो चीजें हैं वो फोकस अब सिर्फ राष्ट्रपति जो चुनाव है उसको लिए लेकर हो गई है और कहीं ना कहीं आज इस बैठक में तमाम जो विधायक हैं वो एक समर्थन पत्र जो है वो देंगे और समर्थन पत्र में कहीं ना कहीं जो एनडीए का उम्मीदवार है उसके समर्थन में समर्थन पत्र जो है वो साइन किया जाएगा केशव। इसके अलावा अगर केंद्र की बात की जाए तो केंद्र से अभी कोई सूचना नहीं मिल पाई है, लेकिन जो नए राज्यसभा सांसद हरियाणा से चुन के गए थे कृष्णलाल पवार और कार्तिकेय शर्मा वो इस बैठक में जरूर मौजूद रहने वाले हैं। पहुंच चुके हैं या अभी आएंगे? देखिए केशव, लगातार सिलसिला है वो जारी है। फिलहाल ये कह पाना मुश्किल है कि कितने विधायक यहाँ पहुंच चुके हैं क्योंकि हरियाणा और हिमाचल के दोनों के ही विधायक हैं, काफी जमावड़ा यहाँ अभी लग चुका है। लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर्स की अगर बात की जाए तो कैबिनेट मिनिस्टर मूलचंद शर्मा यहाँ पहुंचे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रणजीत सिंह चौटाला हरियाणा की तरफ से यहाँ पहुंच चुके हैं और कहीं ना कहीं इसके अलावा बनवारी लाल जो है कैबिनेट मिनिस्टर वो यहाँ पहुंच चुके हैं। ये तमाम जो मिनिस्टर्स हैं यहाँ पहुंच चुके हैं। विधायकों का भी सिलसिला लगातार जो जारी है वो लगातार आ रहे हैं और
जो बैठक है, जो जिस कक्ष में बैठक है, उस बैठक में तमाम जो विधायक हैं वो जा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुद्दा सिर्फ एक है, राष्ट्रपति चुनाव के लिए चर्चा करनी है, समर्थन जो है वो जुटाना है। समर्थन हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास पर्याप्त है, लेकिन एक समर्थन पत्र जो साइन करना होता है, वो समर्थन पत्र इस बैठक में साइन किया जाएगा। केशव, निश्चित तौर पर। रवि, मैं चाहूंगा अगर आपके आसपास कोई मौजूद हो, तस्वीरों में शायद मैं देख पा रहा हूं मूलचंद शर्मा है, अगर आप बात करने का प्रयास किसी से कर पाए तो, ताकि और जानकारियां हम अपने दर्शकों तक पहुंचा सके। रवि, बिल्कुल केशव, देखिए तमाम जो यहाँ लोग हैं, तमाम जो मिनिस्टर्स हैं, उनसे बात करने का प्रयास जरूर करेंगे। और कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं, जिस प्रकार से पूरी जो मैराथन बैठक जिसको कह लीजिए, या फिर जो तमाम जो मिनिस्टर्स हैं यहाँ पहुंचे हैं, वो लगातार इसी जो ये राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो समर्थन देना है, और कहीं ना कहीं इसके मुद्दे पर ही तमाम लोगों से बातचीत करें। मेरे साथ बनवारी लाल हैं, मिनिस्टर्स हैं हरियाणा के। सर, आज बैठक हो रही है, किस तरह से देखते हैं इस पूरी बैठक को? देखो, राष्ट्रपति जी का जो चुनाव है, उसी चुनाव के निमित्त आज सभी विधायकों को बुलाया गया है, और उन सभी विधायकों के हस्ताक्षर भी करवाए गए हैं, ताकि चुनाव के समय कोई दिक्कत ना आए। हरियाणा और हिमाचल दोनों के विधायक यहाँ आ रहे हैं, मुख्यमंत्री दोनों स्टेट्स के यहाँ रहेंगे, तो अपने आप में एक संयुक्त बैठक आपने कर ली। पहले जिक्र था सत्ता पक्ष के तमाम विधायकों की बैठक है, अब हरियाणा और हिमाचल की है। हाँ बिल्कुल, सभी सत्ता पक्ष के सभी विधायक, चाहे हमारे जेजेपी के हों चाहे बीजेपी के हों, सभी विधायकों की मीटिंग है और सभी की वो कंसेंट दी जा रही है। समर्थन पत्र पर साइन करना है? हाँ, समर्थन पत्र पर साइन हुए हैं और हमने साइन कर दिए। तो केशव, देखिए सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त बैठक जो है वो हो रही है, और समर्थन पत्र पे जो है विधायकों ने, मंत्रियों ने, तमाम जो लोग हैं सत्ता पक्ष के, उन्होंने साइन कर दिए हैं। तो अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ पहुंचेंगे, और उसके बाद वो खुद ब्रीफ करेंगे कि इस प्रकार की जो रणनीति है, किस प्रकार की जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो तैयारी करनी है वो कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बैठक जो है अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी। राष्ट्रपति चुनाव में जो वोट काउंट है वो विधायक का भी होता है, इसीलिए तमाम विधायकों को जोड़कर ये पूरी बैठक की जा रही है। और जैसा कि आप भी रवि जानकारी दे रहे हैं कि हिमाचल और हरियाणा के ज्वाइंट विधायकों की बैठक जो है ये की जा रही है, उन्होंने भी समर्थन पत्र पर साइन किया है। द्रौपदी मुर्मू को एनडीए ने अपना राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है, एक ऐसी उम्मीदवार जो कि एक सरकारी नौकरी से अपने जीवन की शुरुआत करती हैं, उसके बाद चुनाव लड़ती हैं, राज्यपाल बनती हैं, और आज देश के सर्वोच्च सबसे ऊपर सम्मानित पद पर देश की पहली नागरिक महामहिम राष्ट्रपति बनने के लिए जा रही हैं। तो इक्वेशंस को देखें तो तकरीबन उनका तय ही है राष्ट्रपति बनना, और इस तरह से अगर देखा जाए तो विधायकों के मन में क्या कुछ बात है एक उम्मीदवार को लेकर, क्योंकि अल्टीमेटली वो वोटर हैं और उम्मीदवार जो है वो द्रौपदी मुर्मू है। बिल्कुल केशव, अगर विधायकों की और मंत्रियों की अगर बात की जाए तो तमाम जो विधायक हैं वो समर्थन देने के लिए बिल्कुल खुशी खुशी आ रहे हैं, और उनका साफ तौर पे ये भी कहना है केशव, बिल्कुल जो सटीक फैसला, जिसको सही फैसला कह सकते हैं, केंद्र की तरफ से ये लिया गया है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिया गया। भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है बिल्कुल सक्षम है और एक सादा जीवन जीने वाला, और इसी प्रकार से वो काम करते हैं, लगातार मेहनती हैं, तो कहीं ना कहीं द्रौपदी मुर्मू की तरफ तमाम जो विधायक हैं वो समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से द्रौपदी मुर्मू का लगभग जो है राष्ट्रपति बनना तय है, और वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो विधायक हैं, तमाम जो लोग हैं, उनके समर्थन में बेझिझक और बे किसी शर्त के अपना जो समर्थन है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। जी रवि, क्या द्रौपदी मुर्मू को एक ऐसे चेहरे के तौर पर भी तमाम विधायक देख रहे हैं जो कि निर्विरोध भी चुनी जा सकती हैं, या जैसे राज्यसभा का उदाहरण लेकर चलें, कार्तिकेय शर्मा के नाम पर कुछ विपक्षी पार्टियां भी साथ में आ गई थी, तो क्या द्रौपदी मुर्मू के नाम पर भी कुछ इसी तरह की समीकरण देखने को मिल सकती है? अगर केशव बात की जाए तो हरियाणा और हिमाचल के जो विधायक हैं वो बिल्कुल साफ तौर पे कह रहे हैं, अगर इलेक्शन होता है तो अभी उन्हें कोई खतरा नहीं है, अगर निर्विरोध चुन लिया जाता है तो बेशक वो बहुत एक खुशी की बात होगी। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से तमाम जो विधायक कह रहे हैं, तमाम जो लोग कह रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में काबिल तारीफ होगा, और कहीं ना कहीं लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से भी कहा गया है, कई जो शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी के, केंद्र के जो नेता है, उनकी तरफ से भी कई बार जो है ये बात कही गई है कि द्रौपदी मुर्मू को निर्विरोध चुना जाना चाहिए, एक सक्षम और एक अच्छी जो राष्ट्रपति वो बन सकती है, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लगातार अपील भी की गई है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी, अगर
मतलब विपक्ष की तरफ से कौन उम्मीदवार उतारा जाता है, कौन कैंडिडेट होता है, कब तक उतारा जाएगा, तो तमाम चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। कहीं ना कहीं फिलहाल जो है इलेक्शन की जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। बेसिकली कहीं ना कहीं अगर इलेक्शन होते हैं तो अभी द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना तय माना जा रहा है। केशव, तो जेजेपी से भी पहुंच रहे हैं विधायक यहां पर, सत्ता पक्ष की बात है तो, और क्या डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पहुंच चुके हैं या क्या कुछ उनका कार्यक्रम है? बिल्कुल केशव, अगर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की अगर बात करें तो देवेंद्र बबली पंचायत मंत्री जो हैं वो अभी आए हैं। कहीं ना कहीं इससे पहले डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला थे, वो आए थे, और ऐसे में लगातार जो है तमाम जो विधायक सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं उनका आने का सिलसिला जारी है। और ऐसे में बात करें केशव, जिस प्रकार से दुष्यंत चौटाला ने बताया है कि वो तमाम जो लोग हैं तमाम उन पर साइन जो है वो करने के लिए यहाँ हैं, विधायक तमाम साइन करके, और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला है जो वापस जा चुके हैं, और कहीं ना कहीं जो बचे हुए विधायक हैं जननायक जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के, या कोई भी सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं वो उनका लगातार आने का जो सिलसिला है वो जारी है। केशव जी, इंडिपेंडेंट विधायकों को लेकर भी कोई अपडेट्स है क्या अभी? बिल्कुल, देखिए अगर केशव इंडिपेंडेंट विधायकों की अगर बात की जाए तो सत्ता पक्ष के जितने भी सरकार को जिन विधायकों ने समर्थन कर रखा है तमाम जो विधायक हैं, सोमवीर सांगवान यहाँ पहुँच चुके हैं, और लगातार जो है विधायकों का जितने भी विधायक हैं जिन्होंने इंडिपेंडेंट हैं और जिन्होंने समर्थन दे रखा है सरकार का, वो विधायक यहाँ पहुँच रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब से कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं, और उसके बाद जो पूरी ब्रीफिंग होगी केशव वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से समर्थन की बात की जा रही है, समर्थन लगातार तमाम जो विधायक है समर्थन पत्र पर साइन कर रहे हैं और निकल रहे हैं। कुछ एक विधायक हैं जो वहाँ यहाँ रुकेंगे, खासकर जननायक जनता पार्टी के विधायकों की अगर बात की जाए तो वो साइन करके यहाँ से निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बैठक जो है वो बताई जा रही है, समर्थन जननायक जनता पार्टी की भी तरफ से जो है वो दिया जा रहा है, क्योंकि सत्ता पक्ष में वो भी है, गठबंधन में है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जननायक जनता पार्टी के लगातार जो विधायक आ रहे हैं, जो मंत्री आ रहे हैं, वो साइन करके एक बार बाहर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं दोबारा से उनकी बैठक बुलाई जाएगी, इस पर अभी संशय बना है, या अलग वो अपनी बैठक करेंगे, इस पर अभी संशय बना हुआ है। कहीं ना कहीं जिस बात की अगर जिक्र करें, समर्थन की अगर बात करें, तो समर्थन पत्र पर तमाम जो लोग हैं वो साइन कर रहे हैं केशव जी। तो रवि, कहीं ऐसा तो नहीं है कि विधायकों के साथ बैठक का कार्यक्रम ना हो और कैबिनेट के साथ ही बैठक करें मुख्यमंत्री, या फिर अब हिमाचल की कोऑर्डिनेशन बैठक एक तरीके से की जाए? बिल्कुल केशव, देखिए जो बात जो चर्चाएं हैं वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल और हरियाणा के जितने विधायक हैं, तमाम जो विधायक हैं संयुक्त रूप से बैठक करेंगे, और लगातार जिस प्रकार की जो चर्चाएं हैं, तो कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम यहां थे कुछ देर पहले, उन्होंने मीटिंग भी की है, खिलाड़ी जो पैरालंपिक में या फिर ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल जीत के आए थे, जिनका प्राइज मनी कम था, उनको प्राइज मनी बढ़ाने के लिए डिप्टी सीएम ने ऐलान किया था, उसको उसके लिए धन्यवाद करने आए थे। उसके बाद डिप्टी सीएम ने अपने जो समर्थन पत्र पर है वो साइन किया, उसके बाद डिप्टी सीएम यहां से चले गए। तो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से जो खबरें आ रही हैं, जिस हिसाब से जो जानकारी मिल पा रही है, फिलहाल वो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा और भारतीय जनता पार्टी हिमाचल के जो तमाम विधायक हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अरविंद, मैं चाहूंगा कि कोई आपके आसपास अगर और भी हों, नेतागण हों, तो आप उनसे भी बात करें ताकि और अधिक अपडेट्स और अधिक जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंच पाएं। अब मैं 30 सेकंड में आपके पास वापस आता हूं रवि, मैं चाहूंगा तब तक आप किसी को ऐसा ढूंढे जिससे बात कर सके, जानकारियां वापस आ सके। तो रवि, हमारे सहयोगी वहां पर लगातार बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं, पूरी अपडेट्स पूरी जानकारियां पहुंचाई जा रही हैं। ये आप पीछे जो तस्वीरों में कमरा भी दिखाया जा रहा है, ये कक्ष है जहां पर तमाम बैठक चल रही है और नेताओं के आने का सिलसिला जो है वो भी लगातार चल रहा है, लगातार जारी है। रवि ने हमें जानकारी भी इस बात की दी है कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी उनके नेता यहां पर मौजूद हैं, विधायक यहां पर मौजूद हैं। देवेंद्र बबली आते हुए हरियाणा न्यूज के कैमरे में आपने देखा भी था, मौजूद हैं। सर, ये बैठक बुलाई गई है, हरियाणा हिमाचल के विधायक संयुक्त रूप से यहां आए हैं, तो कैसे देखते हैं सर? देखिए, हम सारे, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव है, राष्ट्रपति देश का इलेक्टेड नंबर वन सिटीजन होता है और पूरा देश एक्सरसाइज करता है, हर स्टेट से वोट पड़ेंगे, संख्या अलग अलग होती है, एमपी के वोट की संख्या अलग होती है, उनकी हमसे ज्यादा होती है। इसके बाद जब बड़े प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, आपका तमिलनाडु है, बिहार है, उनकी वोटों की संख्या हमारे एमएलए से ज्यादा होती है, और हमारे बाद हिमाचल गोवा है, उनकी और संख्या कम हो जाती है। सवाल संख्या का नहीं है, ये तो इलेक्शन कमीशन तय करता है क्या उन्हें, पर हमारे यहाँ हम पूरे के पूरे जो राज्यसभा में रहा था उससे भी कुछ वोट और बढ़ेंगे हमारे, क्योंकि तब तो 29 एमएलए को बोले गए थे छत्तीसगढ़, अब तो वो खुले हैं। अब मैं समझता हूँ कि उनमें बहुत कुछ लाइक माइंडेड है जो आत्मा की आवाज़ पे वोट देंगे,
वो हमें वोट देंगे। सर, जननायक जनता पार्टी के विधायक भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे या फिर हरियाणा भाजपा और हिमाचल भाजपा के तमाम लीडर्स और जो इंडिपेंडेंट जो सरकार के साथ हैं वही इस बैठक में मौजूद रहेंगे? नहीं, हम सारे वोट डालेंगे जो सरकार के साथ है, चाहे वो जजपा है। वोट तो सारे डालेंगे सर, बैठक की बात। देखिए, बैठक में हमें मुझे मेरा मैसेज मिला, मैं मेरा जानता हूँ, हमारे इंडिपेंडेंट भी सब आ रहे हैं। किसको मैसेज दिया है ये सीएम साहब ने, वो हमारे विधायक दल के नेता हैं। बहुत बार मीटिंग होती है जेजेपी, हम सारे इकट्ठे होते हैं। अब पता नहीं किन किन को बुलाया, मैं तो अभी आया हूँ ऊपर, मेरा अपना वो साइन करके आया हूँ, तो मेरे ख्याल में सबको इकट्ठे ही बुलाए गए। सर, इस बैठक में निकाय चुनाव के लेकर भी कोई चर्चा हो सकती है? जिस प्रकार से आप लोगों ने जितनी मेहनत की और तमाम जो आपके चेयरमैन जीत के आए हैं, देखिए जब भी ऐसी मीटिंग होती है कोई चीज़ें बिना एजेंडे भी चर्चा में आ जाती है। ये डिपेंड करेगा मुख्यमंत्री जी पे कि क्या चीज़ देना चाहेंगे, किस पे डिस्कस हो जाएंगे, ये हमेशा होता रहा है, तो ये उन्हीं पे डिपेंड करेगा कि क्या करना। सर, निकाय चुनाव के लिए जिस प्रकार से आप लोग लगातार मेहनत कर रहे थे, कई जगह निर्दलीय जीत के आए हैं, क्या लगता है उन जगह जो आपकी योजनाएं हैं, जो नीतियां हैं सरकार की, वो प्रॉपर तरीके से पहुंच नहीं पाई? नहीं, निर्दलीय देखिए पिछली बार हम कुछ निर्दलीय जीत के आए थे, अलग अलग उस कॉन्स्टिट्यूएंसी पर डिपेंड करता है। कई बार जो कैंडिडेट है कैसा सिलेक्ट हो जाए, कई बार पॉपुलर कैंडिडेट को टिकट नहीं मिलती, दूसरा वो जीत के इंडिपेंडेंट जीत के आ जाता है, तो इसमें कोई ऐसा कोई ले डाउन क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी जीत सकता है। लोगों की अपनी, लोगों ने मैंडेट देना होता है, डिफरेंट कुछ लोकल इश्यूज होते हैं उस पर भी चल जाता है, कई बार कास्ट वाइज फैक्टर भी हो जाता है, पर ओवरऑल अगर हम देखें तो अगर उस टोटल कलेक्शन हम देखें तो मेरे ख्याल में असेंबली से भी ज़्यादा बड़ा मैंडेट बीजेपी को अब मिला है, जो हमारे चुनके हैं, कुछ इंडिपेंडेंट चुनके हैं वो भी बीजेपी के साथ, मतलब मेजोरिटी उनमें से बीजेपी के साथ। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला थे केशव, जिन्होंने अपनी पूरी जो बात है किस प्रकार से ये बैठक रहेगी, किस प्रकार से जो वोटिंग है वो रहेगी, तमाम बातें बताई। साथ साथ उन्होंने निकाय चुनाव को लिए साफ कहा है कि जिस प्रकार से मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिला है वो पहले से बढ़कर मिला है, और जो निर्दलीय उम्मीदवार चुन के आए हैं वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलने वाले हैं। जी रवि, तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं इसमें हम जो फ्लेक्सेस लगे हुए हैं, जो पैम्फलेट्स लगे हुए हैं, होर्डिंग्स लगे हुए हैं, वो भाजपा के ही देख पा रहे हैं, तो संगठन के भी लोग क्या मौजूद रहने वाले हैं यहाँ पर? देखिए केशव, संगठन की अगर बात की जाए तो ओम प्रकाश धनखड़ प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक अलग बैठक बुलाई है, बैठक में तमाम जो नए जो चेयरमैन जो चुन के आए हैं उनकी एक बैठक है, वो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ आज निर्दलीय तौर पर, जिन्होंने तीन जो ऐसे निर्दलीय चेयरमैन हैं जो भारतीय जनता पार्टी को भी ज्वाइन करेंगे, उनकी बैठक हरियाणा बीजेपी कार्यालय में होगी, और उसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ उन तमाम जो लोग हैं उनकी मुलाकात होनी है। कहीं ना कहीं इस बैठक के तुरंत बाद जो है वो तमाम लोग मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ एक मुलाकात करेंगे, एक बैठक करेंगे। करीब 4 बजे का समय बताया जा रहा है कि 4 बजे से 4:15 बजे के आसपास जो है तमाम जो लोग हैं जो चेयरमैन हैं वो संगठन के लोगों के साथ मिलकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ बैठेंगे और बातचीत करेंगे। जी ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका, आप नजर बनाए रखिए लगातार, बहुत धन्यवाद ये जानकारियां साझा करने के लिए।